है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पांडिचेरी में ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे ला मेंशन रोज़ कैफे में आए थे और यहाँ के अंदर का एम्बियंस बहुत अच्छा है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे मैनेजर से बात करी, उन्होंने हमें अलाउ करा है कि एक आपको टूर दे सकूँ मैं प्लांट्स का। तो चलिए अंदर चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स हैं। स्टार्टिंग भी बहुत अच्छा एम्बियंस था और इस तरफ अगर आप आओ यहाँ पर पूरे बोगनविलिया लगे हुए हैं और एंट्रेंस पे यहाँ पे फर्न्स हैं और अरिका पाम है। यहाँ पे ड्रेसिनास हैं बहुत सारे। अंदर ऊपर पाम ट्री है, शायद पाम ट्री है। बर्ड ऑफ पैराडाइज है वो, तो बड़ा हो गया। ये मैंने पहली बार देखा इतना बड़ा बर्ड ऑफ पैराडाइज शायद। ये भी ड्रेसिना है, बहुत सुंदर हो रहा है। कभी कभी हम स्ट्रगल करते हैं हमारे हाउस प्लांट्स को रखने के लिए, पर इनका नाम मुझे नहीं पता है, आपको बता के बताना। ये सारे एग्लोनिमास हैं, ये भी एग्लोनिमा है। कितने बड़े पॉट में रखा है, इतना सारा है। ये फिलोडेंड्रॉन है, पूरा मनी प्लांट का सेक्शन है। ये भी बॉल मार्क्स है इधर। ये फॉर्न है, मौसमी फॉर्न। देखो तो आप कितने बड़े बड़े पॉट्स में रखे हैं। यहाँ पर स्नेक है, मतलब इस प्लांट को देखो, इस ट्री को। ये पूरा एपिप्रेनम है प्लांट, इतनी बड़ी लीव्स है। मैं बता ये एक जगह भी बहुत ऊपर तक चाहिए। इसके बाद कॉर्डी लाइन्स हैं यहाँ पर बहुत सारे, तीन वेराइटी तो दिखती है, ब्राउन है, रेड है। इसके अलावा मनी प्लांट्स। अच्छा, पूरी ग्राउंड कवर पे मैंने ये देखा कि सब ने इधर पे मनी प्लांट लगा रखा है। एक बहुत अच्छे ग्राउंड कवर मिल जाता है, प्लस आपका ह्यूमिडिटी कंटेन रहती है, पानी जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता। एक और बॉस्टन फॉर्न और पाम, उसमें भी मनी प्लांट चढ़ा हुआ है क्या सामने से। अगेन कॉर्डन लाइट का प्लांट है। और अगर आप यहाँ देखें तो बड़ा अरीका पाम है, नीचे से घना है पूरा। ये शायद लिली है और ये पूरा अरीका पाम उधर। एक और कॉर्डे लाइन बॉल मार्क्स, अगेन पाम ट्री। ठीक है, ये क्रोटॉन लगे हैं, गोल्डन डस्ट क्रोटॉन्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे अग्लोनिमास हैं। यहाँ से हम अंदर देखें तो फूड कोर्ट के अंदर यहाँ पे स्नेक दिख रहा है मेरे को और कुछ मनी प्लांट्स है, प्रोपोगेशंस चल रहे हैं अंदर। इसके अलावा यहाँ पे सब कॉर्डे लाइन ही है, मोस्टली कॉर्डे लाइन यहाँ पे लगाया हुआ है इन्होंने। अंदर एग्लोनिमास है, आओ अंदर बताते हैं। यहाँ पे पीछे नियॉन पोथोस लगा रखे हैं पूरे ग्राउंड कवर में और उधर वो एग्लोनिमा है एक, और एक एग्लोनिमा, दो तीन एग्लोनिमास इधर है। अब अपन इस सेक्शन में चलते हैं। ये फ्लावरिंग है, मेरे को नाम नहीं पता इसका। अगर आप देखो पेड़ में मनी प्लांट चल रहा है, इसके रूट्स देखो तो कितने मोटे मोटे रूट्स हैं पूरे नीचे तक। अच्छा, यहाँ के रूट्स नीचे जाके ज़मीन में जा चुके हैं, ये सारे रूट्स ऊपर कहीं जाके खिल रहा होगा। यहाँ पे स्किन डेप्सेस है, पूरा कवर करके रखा है। बड़े पॉट में स्किन डेप्सेस है, एंजॉय दोनों पोथोस को लगा रखा है। इसके अलावा ये रोज है शायद, हाँ ये रोज है। और ये है बेबी रबर प्लांट, एक वेरीगेटेड है ये, नॉट नहीं ये भी वेरीगेटेड है, दोनों वेरीगेटेड। एक और कॉर्डे लाइन का, एक ग्रीन कॉर्डे लाइन है, नॉर्मल प्लेन ग्रीन, एक ग्रीन में हल्का सा वेरिएशन है। बॉल मार्क्स अगेन। ये पेड़ इतना सुंदर है, ये मैंगो ट्री है पूरा ऊपर तक, पूरी उसकी छांव है यहाँ पे, बिल्कुल धूप डायरेक्ट धूप में आ रही है। उसी मैंगो ट्री के नीचे पूरा एक सेक्शन बना हुआ है, पूरे मनी प्लांट का कवर दे रखा है। यहाँ पे पूरा मनी प्लांट लगाया हुआ है, हर वेराइटी का है। गोल्डन पोथोस है यहाँ पे, एंजॉय है,
नियॉन पॉपुलर भी हैं पीछे तरफ। इस मैंगो ट्री के अपोजिट में ये फिलोडेंड्रोन रखा है, ये मुझे नाम नहीं पता है, बट ही वॉज रेडी टू गिव द कटिंग ऑफ इट, बट मैं लगा नहीं सकती थी क्योंकि ये बहुत बड़ा, मैं लेके कैसे जाऊँगी। वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मनी प्लांट ही है पूरा। अगेन वहाँ पे एग्लोनिमास रखे हैं। और एक और बर्ड ऑफ पैराडाइज है, तो ये पूरे एग्लोनिमा है, अगेन एक और एग्लोनिमा, और वो रखा है मॉन्स्टेरा, आपको कोने में दिख रहा है। इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है, थोड़ा सा नेगलेक्ट में चला गया, पूरे प्लांट लीव्स ख़राब हो गई है इसकी, लेकिन प्लांट हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। ये शायद नई पत्ती होगी इसकी, बहुत हेल्दी है, न्यू लीव्स भी आ रही है, बहुत अच्छा। इसके अलावा ये एक पाम ट्री है, और एक और एक पाम ट्री है। ये पाम ट्री मैंने नहीं देखा, शायद ये पाम ही है जितना मुझे समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कंडीशन ख़राब है इसकी, लेकिन अगर आपको नाम पता हो ना तो प्लीज़ मुझे बताना, मेरी नॉलेज में तो ये मुझे पान ही समझ में आ रहा है। ठीक है, अगेन कॉर्डलाइन का प्लांट है और मनी प्लांट। तो ये एंट्रेंस है, ठीक है, इसके बाद यहाँ से कवर करके हम पूरा सेक्शन पीछे तक घूम चुके हैं। ओपन जो कैफे का एरिया था वो मैं दिखा चुकी हूँ आपको, अब अंदर जो सेक्शन बना हुआ है जो क्लोज्ड कैंपस है वहाँ पे पता चल जाए। तो उसके एंट्रेंस पे भी यहाँ पे अभी रिसेंटली ये गन्ना लगाया है इन्होंने, कल यहाँ पे मकर संक्रांति थी, पोंगल थी, तो ये कुछ पूजते हैं और जो भी करते हैं सब जगह लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ नीचे पूरा तीन बहुत बड़े बड़े गमले हैं जिसमें यहाँ पे लिली लगा हुआ है, ये लिली है, लिली के साथ मनी प्लांट का पूरा घना सेक्शन है। इसके अलावा ये प्लांट मुझे नहीं पता नाम। इसके अलावा फिर यहाँ पे भी सेम हुई, लिली के साथ मनी प्लांट। अंदर इनके यहाँ दो सेक्शन है, ग्राउंड फ्लोर की सीटिंग है पहली तो, और एक फर्स्ट फ्लोर। तो पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर की सीटिंग बता देती हूँ। सबसे पहले अपन एंटर करते हैं तो राइट साइड में ये वेलकम दिखेंगे आपको, बहुत घने लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, और सूख चुकी है हालांकि इसलिए ये शायद इसे ड्रूप ही हो गए। इसके अलावा राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये बड़ा सा मॉन्स्टर है, आई लव मॉन्स्टर। इसके फेनेस्ट्रेशन देखो, इसकी छोटी वाले होल्स भी आ चुके हैं, हालांकि पत्ती खराब हो गई लेकिन देखो तो छोटे होल्स भी आ चुके हैं, सबसे पुरानी पत्ती है शायद ये, बहुत बड़ा है। इसके अलावा इनका ये प्लांट रूम है जो पहले बुक शेल्फ हुआ करता था, बुक रूम हुआ करता था, और यहाँ के मैनेजर ने मेरे को बताया था ये पहले पूरा बुक्स का शेल्फ हुआ करता था, लाइब्रेरी जैसा कुछ था, लेकिन अब इन्होंने इसको प्लांट सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो आओ सबसे पहले राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, कुछ पुराने जमाने की वो किटन रखी हुई है, और डेकोर बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ का। ये लैम्प है, और ऊपर अगर सबसे पहले देखोगे तो एक स्नेक प्लांट रखा हुआ है, वेरीगेटेड, ठीक है। इसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो ये वेलफिन है, अगेन एक छोटा सा पॉट है, बहुत प्यारा है, घना है, वो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये पॉट बताऊँ, ये पॉट लोहे का है, आज भी मैंने छुआ तो समझ में आया। इसके बाद नीचे एक और स्नेक प्लांट, यहाँ पे स्नेक प्लांट मैंने देखे बहुत सारे रखे हुए हैं, एक ये है स्नेक प्लांट, मेरा विश लिस्ट में है ये। इसके अलावा अगर हम जाए नेक्स्ट में तो नेक्स्ट ये पूरा एंजॉय पोथोस है, बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है यहाँ। अगर आप ये पूरी वॉल देखोगे और इतनी बड़ी बड़ी विंडो, यूजुअली हम इंडियंस के इतनी बड़ी विंडो होती नहीं है, ये पूरा फ्रेंच स्टाइल में बना हुआ है, फ्रेंच आर्किटेक्चर है पूरा। अभी आप अंदर भी चलोगे तो अंदर भी आपको समझ में आएगा। अगर आप इसकी ये लैश देखो, ये चटकनी जो है देखो यहाँ तक है, इतनी बड़ी मैंने भी कभी नहीं देखी। यहाँ से बंद करने का है और वो ऊपर जाके बंद होता है। इसके बाद अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे है फिलोडेंड्रोन माइकन्स, यहाँ पे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आती है, अगर आप देखो तो यहाँ पे
थोड़ी बहुत सनलाइट यहाँ पे डायरेक्ट आ रही है, और वो भी छन के आ रही है, फिल्टर्ड लाइट आ रही है। इसके अलावा अगर आप आओगे यहाँ पे तो ये मंजुला फोर्थ हाउस है, कितने बड़े हो रहे हैं पत्ती, अगर आप देखोगे तो मेरा हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा है। वो भी पुराने किसी बर्तन में ही रखा हुआ है उस समय के। इसके अलावा यहाँ पे भी एक फिलोडेंड्रन ब्राजील है ये तो। इसके अलावा ये तो प्रोपोगेशंस है, आप देख रहे हो, आप एक वास को इन्होंने एक पुराने कोई वो है बर्नी है कोई बर्तन है उसको इतना बढ़िया डेकोर में, मेरे को पहले लगा था पॉट है लेकिन वो पॉट नहीं है, प्रोपोगेशंस है, बहुत सुंदर लग रहा है। मनी प्लांट की इसमें भी देखो कितनी बड़ी पत्ती है। इसके बाद अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये अरेलिया का प्लांट रखा है, शायद अरेलिया ही है, और ये आर्टिफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ये वॉलनट के शेप का लकड़ी को कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो वो है एक और अगेन मनी स्नेक प्लांट, एंजॉय पोथोस। इसके बाद यहाँ पे भी इनडायरेक्ट लाइट में अगर आप देखोगे तो बाहर भी एग्लोनिमास रखे हैं और अंदर भी इनडायरेक्ट लाइट में एग्लोनिमास रखे हैं। एक एग्लोनिमा इधर है, एक इधर है। इसके बाद सिल्वर सैटिन एग्जॉटिका है, अगेन स्नेक प्लांट, एंजॉय पोथोस, और इसके अलावा अगेन एक और एक प्लांट स्कैंडेप्सिस। इसके बाद एक सेक्शन ये बहुत सुंदर सा लगा है, और देखो तो यहाँ पे भी फिलोडेंड्रन वो है माइकल्स, और ये है अगेन सेंसेवेरिया वेलफेयर। तो ये एक घना प्लांट है। अब चलते हैं अपन ऊपर के सेक्शन में, और ऊपर जाने के लिए एक सेक्शन बना हुआ है यहाँ से, उसके एंट्रेंस में यहाँ पे एक स्नेक प्लांट रखा है। ये एक ही वेराइटी यहाँ पे रखी हुई है, एक ही पॉट रखा हुआ है, इसमें हल्का सा कलर है, पिंकिश कलर है। यहाँ पे एक डॉर्फ वेराइटी का स्नेक है, एक डॉर्फ का ये है स्नेक प्लांट। इसके बाद ये भाई स्नेक प्लांट जो नीचे था, ओपन है दरवाजा नहीं है, लेकिन आप इसके ये देखो कितनी अच्छी नक्काशी की हुई है इसमें, और ये ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले नीचे ड्रेसिना का एक प्लांट है ग्रीन है ना, इसके बाद इन्होंने कुछ कैंडल्स, उधर स्पाइडर प्लांट है, ये एंजॉय पोथोस है, अगेन एंजॉय पोथोस है, और कुछ ये रखी है शायद लकड़ी के। इसके बाद बाजू में एक और एक स्नेक प्लांट है, स्ट्रक्चर ओवर या कुछ होगा, और एक और एक फिलोडेंड्रन रखा हुआ है। अंदर हो गए ना, तो यहाँ पे एक स्नेक रखा हुआ है, उधर एक स्नेक है, बहुत घना हो चुका है, बहुत ओवर ग्रोन है, अगेन यहाँ पे एक स्नेक प्लांट है वेरीगेटेड, वहां पे स्नेक प्लांट है वेरीगेटेड, और एक और एक कोने में है उधर राइट साइड में। इसके बाद आप ये विंडो देखोगे, पूरी फिल्टर्ड लाइट आ रही है यहाँ पे, उसमें भी वहाँ पे अरेलिया रखा है, वहाँ पे पेपरोनिया रखा है, अगेन स्नेक प्लांट, और ये और रबर प्लांट, और ये अगेन यहाँ पे स्नेक प्लांट है, अगेन एक और स्नेक प्लांट बहुत है यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।